फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज फिर एक नई इंटरेस्टिंग और क्विक रेसिपी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आलू। हाँ जी, हम आलू से ही कुछ बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये सौराष्ट्र का एक स्पेशल आइटम है और ये गुजरात में सौराष्ट्र है, वहाँ का ये स्पेशल आइटम है और इसको आप स्नैक्स में भी खा सकते हो और डिनर में भी खा सकते हो। इसको हम खाएंगे पाइप फ्रैम्स के साथ। आप सब ने अपने बचपन में ज़रूर ये पाइप फ्रैम्स खाए होंगे, तो इसको ही हमने एक ट्विस्ट दिया है यहाँ पे और उसको हम सर्व करेंगे आलू की सब्जी के साथ। तो यही अब हम यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, हम इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स में एक हमें आलू चाहिए और इसके साथ हमने लहसुन की एक चटनी बनाई है, जिसमें लहसुन की कली हमने डाल के 10 से 12 कली, लाल मिर्च और नमक डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो वो गार्लिक चटनी रेडी हो गई। और उसके साथ साथ बस ये हमारे पास पोटैटो है। पोटैटो को हमने बॉईल करके छील लिया है। अगर आपको बहुत बेबी पोटैटोज़ मिलते हैं तो ये आइडियल है, बट अगर वो नहीं है तो हमने बड़े पोटैटोज़ थे तो उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है बॉईल करके। अब यहाँ पे हमने ऑयल लिया है। हम सबसे पहले इन पोटैटोज़ को ऑयल में फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेसिकली हम शैलो फ्राई कर रहे हैं पोटैटोज़ को। थोड़ा सा लाइट ब्राउन होते ही हम इसको इसमें से ऑयल में से निकाल लेंगे। ऐसे करके हमने जितने भी हमारे आलू हैं उन सबको शैलो फ्राई कर लेना है। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम इसको करेंगे, फिर हम इसको निकाल देंगे। अब हमारे आलू जो है वो सारे शैलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसी ऑयल में ये जो लहसुन की चटनी है उसको सौते करेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि ये सौराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी है और उसमें ऑयल और मिर्च दोनों चीज़ें बहुत ही तेज़ होती है। अब इसके साथ साथ इसमें भुने जीरे का पाउडर है वो डालेंगे। साबुत जीरा को हमने ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है। ये हमने 1 टीस्पून डाला है। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ये हमारी जो चटनी है वो सोते हो गई है, उसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो पोटैटो है शैलो फ्राई किए हुए आलू, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको एकदम से इसमें रोल कर लेंगे ताकि हर एक आलू पे अच्छे से चटनी की कोटिंग हो जाए। तो ये हमारी आलू की जो सब्जी है वो भी रेडी हो गई है। अब हम इसको सब चीज़ों को असेंबल करके इसको सर्व करेंगे। इसको हमें बस थोड़ी सी देर, मतलब फॉर फ्यू सेकंड्स ओनली, यहाँ पे रखना है आलू को, ताकि आलू में अच्छे से सारे स्पाइसेस आ जाए अंदर तक और हमारे आलू एकदम स्पाइसी हो जाए, ताकि हम इसको जो हमारे पाइप फ्रैम्स हैं उसके साथ सर्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अब ये आलू जो है वो रेडी हो गए। आपको इसका कलर बहुत रेड लग रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ किया है। अब इसको सर्विंग के लिए ये रेडी है। इसको हम गैस बंद करके इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर और नींबू, इस पर नींबू का रस डाल के इसको हम जो हमारे पाइप फ्रैम्स है उसके साथ सर्व करेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम इंटरेस्टिंग रेसिपी। पाइप फ्रैम्स के साथ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी रेसिपी बन सकती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए वहाँ पे एक बेल आइकन दिया गया है, उसको आप प्रेस कर देंगे तो मेरी जो भी रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। फिर एक रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।